हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। तो गाइस, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया आज मॉर्निंग से। तो आज है संडे और अभी मॉर्निंग तो नहीं है, ये ना 1 बज रहा जब हमारी चाय बन रही है। तो अभी चाय पियेंगे पहले। 4 बज गए ना? हाँ, क्योंकि आज ना लेट उठे थे, तो फिर काम करते करते फिर ना 12-1 बज जाता है संडे में, तो इतना लेट हो जाता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो 8 बजे तक या तक तो सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो अभी बस चाय बन गई है, अभी छान देती हूँ इसको मैं। ये देखिए, बच्चों की ना मुझे ठंडी करनी पड़ेगी क्योंकि वो इतनी गर्म नहीं पियेंगे। तो थोड़ा सा ना मैं क्या करती हूँ ना, परात में पानी करके और थोड़ा सा उसमें रख देती हूँ, उसका जो ज़्यादा भाप होती है ना वो निकल जाती है, तो फिर ये पी लेते हैं आराम से। तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं करती हूँ और गर्म भी नहीं पी पाएंगे, तो थोड़ा सा ना उसको रख देती हूँ तो थोड़ा ठीक रहता है। तो बस अभी इनकी चाय ठंडी हो रही है, तब तक मैं बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह निकाल देती हूँ। और आज ना मैं वॉइस ओवर गाड़ी में कर रही हूँ, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो उसको इग्नोर करिएगा। तो बस अभी ये नाश्ता हो जाता है पहले, और अभी थोड़ा सा मतलब बाहर सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे, जाते जाते हमको 3 बज गया। मतलब कितना भी जल्दी कर लो लेकिन फिर भी ना लेट हो ही जाता है, और आज तो वैसे भी उल्टा हो रखा है। तो ये रस निकाल ली है, बिस्किट और नमकीन, तो आज इसी का नाश्ता करने जा रहे हैं। तो ये वाली जो नमकीन है ना बहुत अच्छी लगती है, हल्का। तो बस अभी यहाँ पे ना मतलब सामान रखा हुआ मेरा, तो जो मतलब सामान एक्स्ट्रा आता है ना तो मैं इसमें रख लेती हूँ, और जब मेरे को यूज करना होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके निकालती रहती हूँ। हाँ, क्योंकि या फिर मैं डब्बे में भर देती हूँ जो भी मेरा रहता है, और जिसमें डब्बे में नहीं आता है तो वो फिर मैं ऐसे ही मतलब रख लेती हूँ। तो अभी वो नीचे रखा हुआ है, तो बस अभी मैं चाय दे देती हूँ इनको। ये देखिए, दोनों बच्चे इधर यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, तो अभी इनकी चाय मतलब हो गई है, बस इतना ही करना था। तो बस अभी इनकी छान देती हूँ, और आज ना वैसे भी चाय थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है, वैसे भी सही है क्योंकि इतनी लेट है, कुछ खाया नहीं है, तो फिर थोड़ा ज़्यादा सा भी ठीक रहेगा। बस अभी इनकी चाय छन गई है, और इसके बाद हम लोग निकल गए बाहर। और मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है, मेरे कान में ना कॉटन लग रहा होगा आपको दिख रहा है, तो क्योंकि ना मेरे कान में भी दिक्कत चल रहा है, अभी ठीक ही नहीं हो रहा, तो वो कॉटन लगा के रखना पड़ता है क्योंकि उसमें ना पानी सा निकलता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, यहाँ पर ना मतलब सॉन्ग चल रहा था, तो ऐसे ही हम सॉन्ग को इंजॉय कर रहे थे। तो बस अभी मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और बस अभी निकलते हैं। तो हम ना इधर आ गए थे, जिधर पहले रहते थे ना, घूमते 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 हम ना एक आध संडे छोड़ के ना इधर आ ही जाते हैं, क्योंकि जब कुछ काम होता है या तो फिर इसलिए, या फिर इधर यहाँ पर थोड़ा सा सही रहता है इधर, क्योंकि इसलिए आ जाते हैं फिर। बस अभी देखिए बैठ गए यहाँ पर और बातें कर रहे हैं। ये देखिए, अब गाना चल रहा था, ये देखिए मस्त एकदम। और पता क्या हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा ना मन ही खराब हो गया, मुझे उल्टी हो गई देख देख के। गाइस, कहाँ जाके देखिए ना, बैठी और बहुत ज्यादा मतलब अजीब सा हो रहा, बरसात में ना ये चीजें पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। तो ये देखिए नीचे हटा रहा है इसको, गई हे भगवान, नीचे को मतलब कुंदा दिया इसको, अजीब सा लग रहा था देख के। कौन गई नीचे? उधर गई, वहाँ घर से मैं घर में घुस गया जी, उधर वाले में इसको घर दे दिया हमने, ये वाला एक देखो, और अभी नया बन रहा है, अभी काम चल रहा है इसमें। बहुत मतलब बरसात में ना कीड़े इतने आते इतने आते कि पूछो नहीं, मैंने भी खराब हो जाता कभी कभी देख देख के। मैंने तो बताई थी इधर थी, आपने देखा नहीं ना, यहाँ पर बैठी थी सी जगह, वो मेरी एक साथ नजर गई, बहुत जहरीली वाली और थी, बहुत जहरीली थी वो लाला। वो एक बड़ी वाली बादल छाए हुए थे, बड़ी वाली थी, मोटी जैसी थी, मोटी मोटी ये लग रहा डिफेंस कोनो कोनो लिए। देखिए ये वाला कितना अच्छा लग रहा है, हाँ यही तो है कॉलोनी, छिपकली को देख के रहा, इतना मन खराब हुआ मेरा कि मेरे को उल्टी हो गई रास्ते में,
इतना मतलब वो मन खराब हो गया था। तो अभी ना हम आ गए सूरजकुंड, तो उनको थोड़ा सा काम है, तो तब तक ये करके आएंगे, तब तक हम मैं बच्चों को घुमा लेती हूँ। और घुमाते घुमाते उस छोटे वाले को पोटी आ गई, उसको पोटी करवा दी, तो फिर पानी नहीं मिला बहुत दूर तक, फिर पानी डूब रहा, तब जाके उसकी पोटी दिलवाई। मतलब ना ऐसे हो रहा है बहुत बेकार बेकार सा। तो अभी इसकी मतलब हम बोतल मतलब ढूंढ रहे थे, तो फिर एक बोतल ढूंढी और तब जाके पानी भरा उसमें, तब इसकी पोटी धुलाई, क्योंकि नल तो नल में पानी नहीं आ रहा था, ऐसे हो रहा था। तो बस अभी देखिए ना, मतलब यहाँ पर ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि धूप हल्की हल्की है और मतलब ऐसी धूप नहीं निकल रही जैसे कि बैठा नहीं जा रहा, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर ये बच्चे, इनको पापड़ खाना था, बस दो पापड़ लिए मैंने यहाँ पर। तो बच्चे तो नहीं खाए, वो छोटा वाला नहीं खाया, मन्नू और मैं खा लिए। और यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, और अभी इसको खेलते खेलते अभी मेरे पास आएगा, मम्मा जी पोटी लग रही है, फिर इसको पोटी कराई। और ये ऐसा भी है कि अगर ऐसी जगह ऐसी वैसी जगह बैठा दो तो करेगा भी नहीं, बोल रहा गंदा हो रहा गंदा हो रहा। मैंने कह रही यहाँ पर घर की तरह थोड़ी ना मिलेगा, ऐसे होता है बच्चे को देखते कि कितनी तेज़ी से भाग के आ रहा है। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत देर घूमे, और घूमने के बाद तब तक ही आ गए थे फिर। और तो ये ना काफ़ी देर से अल्लाह मचा रहे थे, मम्मा जी डैडी जी नहीं आ रहे, डैडी जी नहीं आ रहे, हम क्या आएंगे। तो अभी देखिए मैं इधर बैठी हुई हूँ, और पहले इधर बैठी थी, थोड़ा धूप लग रहा था, फिर मैं उधर जाकर बैठ गई छाया में, क्योंकि ना कभी कभी इतना धूप तगड़ा निकल रहा था, कभी कभी अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से, और देखिए तो इसी तरीके से हो रहा, और इतनी ज़्यादा मतलब इसमें भीड़ रहती है, इस पार्क में बहुत ज़्यादा, कभी भी आ जाओ इसमें ना लोग मिलेंगे ही आपको। और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा होते, क्योंकि धूप निकलती है, तो पार्क वार्क में लोग बैठे रहते, सोते रहते। तो इस तरीके से, तो अभी देखिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो अभी देखिए इनका फ़ोन आ गया था, फिर अभी हम लोग चल दिए हैं, क्योंकि अभी हमें आगे जाना है। तो बस बच्चे और मैं, और मैंने ना ये दुपट्टा ऐसे करके बांध लिया था, क्योंकि ना ये रुक ही नहीं रहा बिल्कुल भी, मतलब फिसल जा रहा, बहुत ज़्यादा फिसल रहा, तो फिर ना अच्छा नहीं लग रहा, बार बार फिसल जाता है। तो मैं कह चलो इसको ना मैं रोक के बांध लेती हूँ, तो ये बांधा तब जाके थोड़ा सही सा लग रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पे हमने मसाला सोडा ले लिया है, तो अभी इसको पीना है, क्योंकि अजीब सा वो हो रहा मन मेरा। तो मैंने बिरयानी भी ली थी, बिरयानी भी खाई थी, तो क्योंकि मेरे को ना बिरयानी खाने का घर से ही मन हो रहा था, कि मैं बोलती मुझे बिरयानी खाना, फिर बिरयानी खाई, और ये मसाला सोडा यहाँ पर लिया, फिर पिया, उसके बाद हम आगे हो गए। फिर हम PBS मॉल पहुँच गए थे घूमते घूमते। यहाँ पे देखिए ना इतना मतलब हो रखा था, जाम तो लग गया था एक बार, तो अब ऐसे कुछ नहीं होता यहाँ पे, जब खुद हो ना तो फंस जाते हैं ऐसी जगह बहुत बुरी तरह से। मन्नू लाला के दे रहा है, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने के लिए ऐसी जगह ही नहीं थी कि उसको खड़ी कर दो और वो हो जाए। तो अभी देखिए हम वहाँ से पी के उसको फिर आगे PBS मॉल, और देखिए गोलू मेरा डांस कर रहा है अब तो, ये बहुत अच्छा हो गया, पहले से पहले ऐसा नहीं था, सारा कुछ बदल गया है। इधर पहले एक जीना नहीं था, इधर भी एक जीना बन रहा साइड में। तो मैं कह रही चलो मनु इधर से चल रहे हैं, क्योंकि सारा मैं कह रही चलो दिखाती हूँ, देखो बादल कितने अच्छे हो रहे हैं। बस अभी ये देखिए फ्रेंच फ्राइज बर्गर कोल्ड ड्रिंक ये आ गया, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ खाना नहीं है, तो बस यही मंगा लिया, अभी इसको खा लेते हैं। और ये देखिए अभी देखने बहुत बहुत यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, खाने पीने की ज़्यादा भीड़ रहती है। और फिल्म वगैरह तो अभी ऐसी ही लग रही है कि कुछ समझने वाली नहीं है, तो फिल्म वगैरह तो नहीं देखना है। और बस अभी मैं भी खा लेती हूँ। मेरा तो ना वैसे भी अजीब सा ही मन हो रहा सवेरे से, अभी तक मतलब ना इसको वॉइस ओवर करो तब भी मेरा मन अजीब सा हो रहा, चेंज नहीं हो रहा बिल्कुल भी, कि चलो थोड़ा सा ठीक लगने लगे, पर ठीक नहीं लग रहा अंदर से। उसको बार बार याद करके ना बहुत ज़्यादा, अब वो उसको देख के ना ऐसे लग रहा था जैसे कि कितनी जहरीली है,
तो अभी यहाँ पे दो आइसक्रीम लेनी थी, वो सब खाने के बाद तो अभी आइसक्रीम ऑर्डर कर रहे हैं। अभी ना सब सिस्टम अलग अलग हो गया, यहाँ पे खुद ऑर्डर कर लो, अब उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि तुम मतलब ये चाहिए मुझे, जो चाहिए ऑर्डर कर दो और अपना पे कर दो, बस हो जाएगा। तो ये सही है, और यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, जब आप करोगे तो अपना नंबर ले लो, जो भी आपका नंबर होगा तो वहाँ जाके पहुँचा देंगे। तो इसके बाद हम लोग फिर वापस आ गए, और देखिए ना मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बहुत ये बादल से छाए हुए हैं, धूप खिली हुई है एकदम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको दिखा मच्छर एक। और हम जब आ रहे थे ना, तो हमें जहाँ पे रहते थे वो वाली आंटी मिली, उनसे थोड़ा सा बातें किए, और उसके बाद फिर मतलब अच्छा लगता है ना जब कोई मतलब मिलता है, तो ऐसे लगता है कि हाँ कितने दिन, हम कम से कम 3 साल उनके साथ रहे, आज उनको देखा काफ़ी दिन में, जब से हम मतलब खाली किया तब से एक बार मतलब आज मिली। मेरा थोड़ी देर हम अभी इनका ये ऑफिस में कुछ काम है, तो अभी हम यहाँ बैठे तो सोचा चलो थोड़ी देर बात कर ले, तो बोर हो रहे बैठे बैठे। और अभी क्या है कि अभी गाना मतलब टाइम हो गया, अभी 7:05 है, तो काफ़ी देर हो गए हमको, हमने 3 बजे के निकले घर से, 3 बजे से ऐसे ही कुछ ना कुछ चल रहा। लाला आवाज़ बंद करो, मेरे में कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो। तो अभी वो आज के पहले हम इस घर में रहते थे ना यहाँ पे, तो वो वाली आंटी मिली थी यहाँ की, तो उनसे थोड़ी देर बातें की, और बातें करने के बाद तो बोलने लगी कि चलो घर चाय वाय, मैंने कि नहीं अभी हम चल रहे हैं, काफ़ी देर होगी, वैसे तो हमारा आना जाना रहता है, और अभी इधर नहीं जाते, किसी तरह फुर्सत में अच्छे से जाएंगे। खुलू भाई, खुलू। अच्छा लगता है क्योंकि हमको यहाँ पे 3 साल हम रहे हैं, और बहुत अच्छे से जितने भी मैं घर रही हूँ ना, सबसे अच्छा मुझे घर भी, और इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, हजार से भी ज़्यादा, मतलब सही थी, बहुत अच्छी थी, और 100 से भी ज़्यादा रही है क्या घर पुराने वाले से, 4 साल कर देती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, बबीता नीरज ब्लॉग।